फ्रेंड्स इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ये लिफ्ट एक्सल का जो बड़ा बैलून है ये वाला जो आप देख सकते हो प्रेशर नहीं पड़ रहा है और ये नीचे तरफ पूरा का पूरा गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बैलून में प्रेशर टाइट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स दूसरा भी बैलून देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दूसरा बैलून भी आप देख सकते हो ये गिरा हुआ है लेकिन ये टाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो, दिस इज अनवर सेकंड ओवरराइडिंग कमिंग सर्विस ऑन आवर YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में देखा ये जो गाड़ी है BS6 4825 16 टायर हाइवा गाड़ी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सिंगल लिफ्ट मशीन है और डबल टायर है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम है आपने देखा जो बैलून जो है बड़ा बैलून में प्रेशर नहीं उड़ रहा है, ये लिफ्ट पूरा का पूरा डाउन है, फिर भी ये जो लिफ्ट का जो बैलून जो है प्रेशराइज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स और ड्राइवर का भी कहना है जो मीटर में जब रनिंग गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गाड़ी बंद करके पाँच छः मिनट रखता है तो हवा जो एयर जो है पूरा डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हम दिखाएंगे जो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम क्या है, और भी प्रॉब्लम होता है जो एयरलाइन में ये लिफ्ट एक्सल के द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है जो लिफ्ट फर्स्ट टाइम जब नमा हो गए गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट टाइम लिफ्ट डाउन करोगे धड़ाम करके जोर से ये जो एक बार पड़ता है, बाद में पहले दूसरी बार जो नॉर्मल जैसे लिफ्ट अप डाउन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या प्रॉब्लम होता है जो थोड़ा सा भी लीकेज या बड़ा बैलून जो है बड़ा बैलून में थोड़ा सा लीकेज कोई पत्थर का टुकड़ा लिफ्ट का बैलून जो है बड़ा बैलून जो है उसमें घुस गया है, उसी कारण थोड़ा सा हवा लीक कर रहा है बड़ा बैलून से, तब भी ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम गिरता है। अब जब ये जो एयर ज़्यादा हो जाता है तब ये जो है ऑटोमेटिक जो जैसे नॉर्मली अप डाउन करता है, ये हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है दूसरा और एक प्रॉब्लम हो सकता है जो लिफ्ट का जो वारेक बैलून रहता है छोटा बैलून जो रहता है, तो छोटा बैलून में कहीं लीकेज रहेगा तो ये हवा जल्दी गिरेगा और जल्दी गिरने के वजह से जो क्लच हार्ड होगा। तो फ्रेंड्स ये क्लच गियर नहीं लगा पाओगे, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स ये जो छोटा बैलून जो है कभी कभी फट जाता है तो तब ये क्लच हार्ड हो जाता है, तो आपको मिला होगा शायद। तो फ्रेंड्स का जो लिफ्ट एक्सल का मशीन होता है तो इसमें तो 2 सोलेनोइड स्विच लगा रहता है, व्हीकल स्पीड सेंसर जैसा कपलर लगा रहता है, इसमें 2 वायर रहता है, एक जो ग्राउंड रहता है और एक 24 वोल्ट सप्लाई रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉपर सप्लाई आएगा तो ये सोलेनोइड स्विच काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है जो सप्लाई वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, सोलेनोइड स्विच भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लिफ्ट का जो खूब धीमे उठ रहा है, धीमे नम रहा है, तो ऐसा होता है। तो तब ये ऐसा आपको चेक करना है जो पाइपलाइन जो है एयर का पाइपलाइन जो है कहीं दबा हुआ होगा, चाहे कहीं क्रॉस होगा ऐसे पिचटा हुआ होगा, तो ऐसा होता है भाई। तो फ्रेंड्स आपको हवा का लाइन जो है पाइपलाइन को अच्छे से चेक कर लेना है। और भी प्रॉब्लम होता है जो एयर जो लिफ्ट का मशीन जो है लिफ्ट का मशीन के अंदर पानी जाके जो एयर टैंक में पानी रहता है, पानी जाके लिफ्ट मशीन को बर्बाद कर देता है, ऐसा होता है। और लिफ्ट मशीन का किट को ख़राब कर देता है, तो तभी ये लिफ्ट अप डाउन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था लिफ्ट मशीन के ऊपर जो आज वीडियो, और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है छोटा सा प्रॉब्लम है आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, ओके सो देखते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे लगे तो एक जरूर लाइक करें। और फ्रेंड्स ये जो है क्विक रिलीज वाल्व, ये क्विक रिलीज वाल्व है BS6 गाड़ी का जो बड़ा बैलून है, ये दोनों साइड 2 बैलून के लिए लगा रहता है। ये डायरेक्ट जो पाइप जो कनेक्शन रहता है एयर का पाइप ये बड़ा बैलून में जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हवा का पाइप आता है मशीन से इधर आता है, आने के बाद ये जो यहाँ पर जितना हवा होके ये देख सकते हो ये दाया तरफ है, तो इसको टूटा फूटा हुआ है, इसको बांध के रखा है, तो इसको खोल के भी वॉश कर लेंगे। तो इसमें जो हवा लीक कर रहा है इधर से, तो फ्रेंड्स कभी कभी पता नहीं चलता है जो एयर कहाँ से लीक कर रहा है,
तो फ्रेंड्स ये जो है क्विक रिलीज वाल्व सिंपल सा सिस्टम है। इसको जस्ट अंदर एक ही रबर का किट रहता है, ये आप देख सकते हो। ये रबर का किट अच्छे से इसको वॉश करके जो इसका जो रबर है जो डस्ट वगैरह है अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्लीन नहीं रहेगा तो ये वॉल टाइम जो है ग्रीज लाना हो चाहिए होना है हवा निकालने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी के कारण जो ज़्यादा हवा बाहरी ये क्विक रिलीज वाल्व से निकल जा रहा है, इसी के कारण जो बड़ा बैलून में प्रेशर नहीं बढ़ रहा है और लोड नहीं ले रहा है बड़ा बैलून। तो फ्रेंड्स ये ऐसा नॉर्मल काम है, ये आप कोई भी कर सकते हो।